उसके बॉयफ्रेंड को बाद में इतना पछतावा हुआ कि उस लड़की को वापस पाने के लिए उसने पूरा ऑफिस फूलों से भर दिया। अगली सुबह आन्या जिंदगी में पहली बार एक जिम में पहुंची। मशीनों का ढंग से इस्तेमाल करने में उसे थोड़ा टाइम लगा। कई बार तो वो ट्रेडमिल से ही नीचे गिर गई। लेकिन उसने अपनी सारी मेहनत पे पानी फेर लिया जब वो एक घंटे बाद एक रेस्टोरेंट में बैठकर बर्गर पहनने लगी। नताशा उसी रेस्टोरेंट में काम करती थी और उसने आकर आन्या का खाना फेंक दिया। उसने गुस्सा होकर आन्या से कहा कि क्या वो दो घंटे भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकती। घर आकर आन्या ने अपने पूरे शरीर पर मॉइस्चराइजर लगाकर प्लास्टिक रैप से बांध लिया। उसे उम्मीद थी कि इन फालतू तरीकों से एक दो किलो कम हो जाएंगे। रात को वो फ्रिज से कुछ चुरा कर खाने ही वाली थी कि नताशा ने उसे पकड़ लिया। अगली सुबह उसने फैसला किया कि अब से वो कुछ भी अनहेल्दी नहीं खाएगी। ये उसके लिए और भी मुश्किल था क्योंकि वो एक बेकरी में काम करती थी जहाँ चारों ओर खाना ही खाना था। एक केक बनाते वक्त उसने गलती से अपनी उंगली चाट ली और इसके बदले उसने उसी वक्त 10 स्क्वाट्स किए। दिन भर खाने की चीजें उसे अपनी ओर खींचती रही, बुलाती है मगर जाने का नहीं। और ऐसे ही आन्या ने पूरा दिन खुद को कंट्रोल किया रखा। शाम को वो कमरे में केक के साथ बिल्कुल अकेली थी। कुछ मिनट तक तो वो उसे घूरती ही रही और मन में उसे खाने का कोई ना कोई बहाना सोचने लगी। आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट गया और वो एक ही बार में आधा केक खा गई। अब उसे एहसास हुआ कि शायद उसे ईटिंग डिसऑर्डर है। वो ऐसे लोगों की मीटिंग में गई जो उसी की तरह हर वक्त कुछ ना कुछ खाने की लत से परेशान थे। वहाँ एक आदमी भी था जिसका नाम है कोल्या। आन्या को सबके सामने बात करने में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, इसलिए उसने खुद को एंजेला नाम की एक जर्नलिस्ट बताया जो उन जैसे लोगों पर एक कहानी लिख रही है। वहाँ मौजूद सब लोग अपनी बीमारी के लिए कोई ना कोई बहाना देने लगे। कोई मानना ही नहीं चाहता था कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है। ये देखकर कोल्या ने सबसे चिढ़कर कहा कि उन्हें सच्चाई को अपनाना ही होगा। उसने आन्या के झूठ के पार भी देख लिया था। वो जानता था कि आन्या भी झूठ बोल रही है। ये देखकर कि उसकी सच्चाई सबके सामने आने वाली है, आन्या एक फोन कॉल का बहाना करके बाहर चली गई। लेकिन कोल्या ने उसका पीछा किया। वो उसे एक रेस्टोरेंट में चलने को कहता है और फ्री के खाने को आन्या बना कर दे, हो ही नहीं सकता। कोल्या ने उसे आइडिया दिया कि उन्हें एक दूसरे का फिटनेस स्पॉन्सर बन जाना चाहिए। इसके मुताबिक उन्हें रोज इकट्ठी एक्सरसाइज करनी होगी, कुछ भी खाने से पहले एक दूसरे से पूछना होगा और एक दूसरे का सहारा बनना होगा। आन्या थोड़ी हिचकिचा रही थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि ट्राई करने में क्या ही जाता है। अगले दिन से दोनों हर सुबह पार्क में दौड़ने लगे। जैसे जैसे वक्त बीता तो आन्या को एहसास हुआ कि कोल्या सच में एक अच्छा इंसान है। वो अपने मोटापे की वजह से खुद को बुरा महसूस नहीं करता था। उसके साथ रहकर आन्या भी खुद से प्यार करना सीख गई। दोनों एक दूसरे की परेशानियां समझते थे। जल्द ही आन्या का वजन कम होने लगा। जब भी वो उदास होती तो कोल्या के साथ गला फाड़ कर चिल्लाने के बाद वो शांत हो जाती। आन्या बस ये चाहती थी कि ज़ेन्या फिर से उसे पसंद करने लगे, और इस बात से कोल्या को बहुत जलन होती थी। 1.5 महीने में उसने लगभग 10 किलो वजन कम कर लिया था। अब उसने ज़ेन्या से मिलने का प्लान बनाया।